हम आजाद हो ही जाएंगे, चाहे उसमें उसमें आपका साथ रहे या ना रहे। लेकिन मैं आप लोगों से सवाल करना चाहती हूँ, तमाम आजाद कश्मीर के, गिलगित बल्तिस्तान के बहनों और भाइयों से, जब तारीख लिखी जाएगी तो खुदा आपको कैसे माफ करेगा? आप खुद कैसे खुद को माफ करोगे? जब आपकी, जब आपको पता चलेगा कि आपकी माएं, आपकी बहनें आपको पुकारती रही मुश्किल वक्त में और आप पार्टीज्म के उस पे खड़े थे। मैं पिछले 3 दिन से सो नहीं पा रही हूं जब से इस तरह की बयानबाजी आ रही है। मुझे अपनी बहनों के लिए डर लग रहा है, अपनी माओ के लिए डर लग रहा है कि उनका वहां पे क्या होगा। तो आप खुद को कैसे माफ करोगे? तमाम इस्लामिक मुमालिक कैसे माफ करेंगे जब हमारी माओ बहनों की इज्जतों के ऊपर जो है हाथ डालने की सरेआम सरेआम बात की जा रही है? तो कैसे आप लोग माफ करेंगे खुद को? खुदा को क्या जवाब देंगे? खुदा को भी छोड़ें, सबसे पहले अपने जमीर को क्या जवाब देंगे आप? कोई खुदा खौफी है आप लोगों में? कब तक पार्टीज्म, नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म, इनकी बुनियाद पे जो है आप एक दूसरे के साथ लड़ते रहोगे? क्या हमने कभी एक नहीं होना? क्या हमारी किस्मत में ऐसे ही जो है दर दर की ठोकरें खाना लिखा है? जिल्लत रुसवाई क्या यही हमारा मुकद्दर बन के रह गई है? क्या रियासत के सिर्फ एक हिस्से को कुर्बानी देनी है? मैं नहीं कहती कि कोई कुर्बानी कम दे, आप लोग हथियार उठाओ या कुछ करो, लेकिन कम से कम इतना तो करो कि हमें लगे कि कोई हमारे साथ है। वहां पे जो माएं बहनें बेटे बेटियां बैठी हुई हैं, उनकी नजरें सबसे पहले आप लोगों के ऊपर हैं, और आप लोग यहाँ पे लीडर बनने के चक्करों में जो है उनकी इज्जतें तक नीलाम करने के दर पे हो। अपना रोल अदा करो, दुनिया को बताओ हमारे साथ क्या हो रहा है। बहुत मौके मिलेंगे आपको जिंदगी में लीडर बनने के। यही वक्त नहीं है लीडर बनने का, यही वक्त नहीं है एक दूसरे से लड़ने का। जिंदगी में बहुत मौके सामने आएंगे आप लोगों के, उन मौकों पे अपने जो है जो करना है उस टाइम कहना कि मैं PMLN का हूं, मैं PTI का हूं, मैं PP का हूं। बस कर दो ये लड़ाई, खुदा का खौफ करो, अब डरो खुदा से, डरो उस अंजाम से जिसको सोच के भी मेरी जो है रातों की नींद उड़ जाती है। सबने देखा होगा कि पिछले 5 दिन से मैं सो नहीं रही हूं, 5 दिन से मैं मुसलसल जाग रही हूं, मुझे बुखार है, मैं बात नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी मैं लाइव आती हूं, फिर भी मैं कोशिश करती हूं जिधर जिधर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकूं, पूरी दुनिया को दिखा सकूं। एक अकेली कमजोर लड़की मैं काम करती हूं, गालियां भी सहती हूं, सब कुछ करती हूं, लेकिन फिर भी आवाज उठाती हूं। क्यों शर्म नहीं आती आप लोगों को? आपका क्या ख्याल है कि सिर्फ चंद नारे लगाने से आप लोगों का काम हो जाता है? अपनी जिम्मेदारियों को पहचाने। ये सबसे पहले आप लोगों से सवाल होगा, खुदा सबसे पहले आप लोगों से पूछेगा। खुदा से पहले जमीर को क्या जवाब दोगे कि अपनी माओ बहनों बेटियों के लिए क्या किया आप लोगों ने? मुझे किसी से अभी शिकायत नहीं है, मुझे सबसे ज्यादा शिकायत अपने लोगों से है। हमेशा पार्टीज्म, हमेशा नफरत, एक दूसरे से लड़ाई, कब निकलेंगे हम इन चीजों से? एक मकसद है हम लोगों का, कम से कम रेफरेंडम की बात करो, रेफरेंडम में हर